ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੁੱਲਰ ਨੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਮਨ ਜੀ सब तो पहला अगर गल करिए कि आम आदमी पार्टी जो आम आदमी पार्टी मन रही थी कि सानू 100 सीट आएगी पर वो जड़ा कमाल वो नहीं कर सकी अगर सोशल साइडां दे उपर भी देखिए तो आम आदमी पार्टी दी जिन्नी भी रैलियां होंदियां सी उहदे विच कट बहुत ज़्यादा हुंदा सी लोग बहुत ज़्यादा जुड़दे सी तुहाडे नाल भी असीं कई बार रैलियां कवर करियां ने बहुत ज़्यादा सी तुसीं वड्डी लीड लैके जित्ते हो पर बाकी जिहड़े एम एल ए ने जां बाकी जिहड़े उम्मीदवार सी उह एडा जिहड़ा दम नहीं दिखा सके कित्थे की कारण रिहा मन दिओ देखो ये जे मैं कोई एक रीज़न कह कि एक रीज़न होगा वो नहीं लगता हैगा पर मल्टीपल रीज़नस ने जिन्हों के उपर मैं समझदा कि एक ओक समीख्या हो रही है जिन्हों एक प्राइम एफ एस आई प्राइमेरली जो रीज़न लग रहा है जो कल साढ़े नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया जिमें कि बाकी स्टेटा भी खदशा जताया जा रहा है कि शायद थोड़ा बहुत कोई ईवीएम्स उस तरह का पर जे को मैं तो पुख्ता कह कि साढ़े कोई रिकॉर्ड है तो वह जो नहीं है वह पार्टी आपके पद्धर के उपर लगी हुई है पर मैं समझदा कि इस तो अलावा भी कई चीज़ा ने कमिया ने जिड़ियाँ साड़ी कैंपेन दे विच जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा सीगा जिन्ना वड्डा टैंपो बनया हुआ सीगा पूरे कल्ले सुनाम दे विच ही नहीं पूरे पंजाब दे विच उस दे अनुकूल ने जिहड़े वह रिजल्ट नहीं आए इन्हां रिजल्टां तों तां इस तरह लगता है कि जिवें एंटी इनकंबेंसी 10 साल की अकाली भाजपा सरकार के खिलाफ ना हो के साडे खिलाफ चल रही हो सो मैं समझदा कि उहदे उपर अजे सानूं 3-4 दिन अजे होर लगणगे ये देखने को कि कित्थे साडी कैंपेन दे विच कमियां रही पर डेफिनेटली रही ने ता ही ये जिहड़े इस तरह के थोड़े निराशाजनक रिजल्ट ने वो आए हैं पर फिर भी मैं समझदा कि जिहड़ा लोकां दा मैंडेट हुंदा है लोकां दा फतवा हुंदा है वो लोकतंत्र दे विच हमेशा सिर मत्थे हुंदा है।